नमस्कार साथियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। तो कक्षा 7 हम 6 हमने क्लियर कर लिया था और 7 के बारे में बात करते हुए आए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में, कक्षा 7 के अध्याय 3 के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो देखिए, हम यहाँ से जल्द जो अध्याय है वो हम शुरू करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए, विश्व की प्रमुख जल किनारे विकसित सभ्यताएँ कौन सी है, विश्व की प्रमुख जल के किनारे बसी हुई सभ्यताएँ कौन कौन सी है। तो देखिए, पहला नाम आता है सिंधु भारत का, दूसरा आता है हांग हो चीन का, मेसोपोटामिया अरब देश में, नील का नाम आता है मिस्र में, माया व एजेक्ट जो है वो उत्तरी अमेरिका व मेक्सिको की है, और द इनका जो है वो अमेरिका की है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ जो जल के किनारे विकसित हुई थी, इनलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इनमें आप देखते जाओगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। सिंधु जो है वो देखिए यहाँ से भारत की है, तो सिंधु भारत में स्थित है। फिर बात करें तो हांग हो जो है वो चीन की हो जाएगी, ये हांग हो है सभ्यता जो है वो चीन की हो जाएगी। ठीक है, हांग हो चीन की। फिर बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया जो है वो अरब देश की हो जाएगी। ठीक है, मेसोपोटामिया अरब देश की हो जाएगी। नील की बात करें तो मिस्र की हो जाएगी, यहाँ पर मिस्र है तो नील मिस्र हो जाएगी, सिंधु भारत की हो जाएगी। माया एग्जैक्ट जो है वो हो जाएगी उत्तरी अमेरिका व मेक्सिको की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो मेक्सिको है उसकी हो जाएगी माया एग्जैक्ट। और जो इनका जो लास्ट वाली रह जाती है वो आएगी दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्ट नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज़्यादा डिफ क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, नॉर्मली पूछा जाता है कि इस किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है। फिर बात कर लेते हैं जल चक्र के बारे में। तो देखिए, जब जल विभिन्न स्रोतों से वाष्पित होकर वर्षा द्वारा पुनः वहीं पहुँच जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे जल चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जल चक्र क्या होता है, तो देखिए हम इस डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जल चक्र क्या होता है। देखिए, वाष्पीकरण और महासागर, इनमें जो जल है वो जाता है वाष्प बनकर आकाश में जाता है, और संघनन एवं बादलों का निर्माण होता है, जिसमें आता है कि वायुमंडल की कुल जल वाष्प का लगभग 80% भाग महासागरों से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संघनन एवं बादल जो बनते हैं वो पवनों के माध्यम से बादल का निर्माण होता है, और बादल से पुनः वर्षा हो जाती है। ठीक है, वर्षा जल यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ से वापस आया और वापस वर्षा बनकर जमीन पर जाएगा। तो वर्षा के माध्यम से जल का बहाव होता है और झीलों का निर्माण होता है। झीलों का निर्माण होता है तो उनसे वापस जलवाष्प का प्रक्रिया पूर्ण होती है, और जल बहाव जो होता है वो कभी कभार भूमिगत जल के रूप में चला जाता है। तो भूमिगत जल के रूप में अधिकतम जो है वो झील और जल बहाव जो होते हैं उसके माध्यम से जमीन में जाता है भूमिगत जल। ठीक है, धरातल में। तो फिर यहीं से वापस जल बहाव के माध्यम से वाष्पीकरण होने के लिए महासागर में चला जाता है, और यही प्रक्रिया वापस पुनः दोहराई जाती है। तो इस तरीके से पूरा जो चक्र है वो जल चक्र चलता रहता है बस, और यहीं से जल जल वाष्प के रूप में बनता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न आता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा मासिनराम तथा चेरापूंजी मेघालय। ठीक है, मासिनराम का नाम धीरे धीरे कम हो रहा है और चेरापूंजी का ज़्यादा हो रहा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी मेघालय हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितने प्रतिशत पीने योग्य भाग है, तो वो है 2.5%। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो सब विश्व की जो सबसे खारी झील है वो हो जाएगी वान झील तुर्की। छठे प्रश्न की बात करें, तो देखिए, मृत सागर किन देशों के मध्य स्थित है, खारे पानी की झील जो है मृत सागर, तो वो हो जाएगा जॉर्डन व इजराइल के बीच स्थित है। जल में खारेपन का कारण किसे मानते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य लवणों के कारण जो है वो जल के खारेपन का कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो देखिए महत्वपूर्ण आता है कि नदी के किनारे स्थित नगर, महासागर, तट के किनारे स्थित और झील के किनारे स्थित नगर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, तो ये आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, या फिर मैं अलग वीडियो में इसका पूरा ही विस्तृत तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि दिल्ली में यमुना है, इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर होती है, लंदन में जो है थेम्स है, और रोम की बात करें तो टाइबर है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बार आप मोटा मोटा तरीके से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आठवां प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की समस्या है, तो वह है शेखावटी और दक्षिण राजस्थान, यहाँ पर फ्लोराइड सर्वाधिक पाया जाता है जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। फिर बात करें तो भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण के संकट को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, तो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून जो है वो 1974 लागू किया गया है। गंगा की सफाई के लिए कौन सी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है,
तो गंगा एक्शन प्लान व नमामि गंगे जो हैं वो गंगा सफाई के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, फवारा विधि है, रूफटॉप जल संग्रहण विधि है, एनीकट निर्माण विधि है। तो ये जो है वो जल संरक्षण की विधियाँ हैं। भविष्य का सोना या नीला सोना किसे कहते हैं? तो वो जल को कहा जाता है। व्यर्थ व बेकार पदार्थ क्या कहलाते हैं? उन्हें अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। अपशिष्ट के नाम से व्यर्थ और बेकार होते हैं। भूमि के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आते जाएंगे। वन भूमि क्या होती है उसके बारे में बात करते जाएंगे। इस तरीके से हम पूरी जो भूमियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, चरवा भूमि, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हुए हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। फिर 5वां अध्याय आ जाएगा वन वन्य जीव, ये नेक्स्ट टाइम में हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।